होश में आओ, 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 जिंदाबाद, 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 भारत एकता जिंदाबाद, 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद हम लोग एससी एसटी मांग है दलित एक्ट समाप्त करो, पहली मांग। दूसरी मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। तीसरी मांग है आरक्षण एक परिवार को एक बार दिया जाए। चौथी मांग है प्रमोशन में आरक्षण करा दो। चार मांग अखंड राष्ट्रवादी पार्टी से है, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज सारे संगठन सामाजिक संगठन नोएडा में हम लोग जा रहे हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। चार मांग। सर एक बात बताइए कि जिस समय ये बिल जो है बन रहा था संसद में पास हो रहा था उस समय कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आज अगर ये लागू हो गया सीधे तौर पे तो आवाज चारों तरफ से आ रही है। देखिए उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों को भरोसा था, पूर्ण विश्वास, आज सबर्ण सांसदों पर भरोसा था कि जरूर ये लोगों ने बोलेंगे कोई नहीं। लेकिन सारे सांसद आज मुर्दाबाद के हम लोग नारा लगा रहे हैं, सारे सांसद मुर्दाबाद, क्योंकि कोई सांसद बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप सरकार को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। सर एक्चुअली एक्ट आपने पढ़ा होगा, उस एक्ट में ऐसा क्या विशेष है कि जिसकी वजह से आज लोग एक्ट में विशेष यह है कि पहले 22 तरह से कानून लगता था दलित एक्ट, अब आप घूर करके भी देखेंगे कि घूर करके देख रहे हैं अगर ये भी दलित का दिया था एक्ट, अब 47 तरह से लगेगा। पहले एक्ट में मायावती सरकार 25,000 रुपया देती थी एक थप्पड़ मारने पर किसी दलित को, हम मोदी जी उसको 1,00,000 रुपया देंगे। एक्ट में बहुत बदलाव हुआ है, एक्ट यह बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम सारी जनता से अपील करते हैं भारत के कि इस एक्ट का पुरजोर विरोध करें। ये आज का जो एजेंडा या विरोध प्रदर्शन है वो समस्त सामाजिक संगठनों ने नोएडा में किया है मिलकर, क्योंकि एससी एसटी आयोग में जो एक नियम बना दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी उसको ओवर रूल करते हुए केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में पास कराकर यहाँ की स्वर्ण जातियों को जेल का रास्ता खोल दिया, तो हम उसके विरोध में हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कृपया करके आप उसको माने और उसी को ही लागू कराएं। अगर इस प्रकार का नहीं हुआ तो जिन स्वर्ण जाति के वोटों से आप 2014 में पार्लियामेंट में पहुंचे थे 2019 में यही जाति आपको केंद्र सरकार से हमेशा के लिए दूर। मतलब सर एक बात बताइए, जिस समय ये बिल बन रहा था पास हो रहा था आप ये थे, कोई पूरे देश भर में कोई एक आवाज नहीं थी और आज लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या उसका कारण ये है कि जिस टाइम ये बिल बन रहा था उस टाइम शायद लोगों को इस चीज का आभास नहीं था कि आपका ये सीधा सीधा जेल जाने का रास्ता तैयार हो रहा है। जैसे ये बिल पास हुआ उसके बाद में हिंदुस्तान में इतने सारे मामले आ गए। अगर मैं नोएडा की बात करूं तो हमारे यहाँ कर्नल चौहान को इसी बिल के तहत इसी कानून के तहत जेल जाना पड़ा, एक हफ्ता जेल में रहना पड़ा। वो तो वीडियो अगर कवरेज ना मिलती, वीडियो फुटेज ना मिलती तो शायद उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे वो कभी अपने आप को सत्य नहीं कर पाते। मतलब सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो अभी चुनाव जो है वो 2019 सामने आ रहा है ये को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये सरकार की कहीं एक तीर से दो निशाने वाली नीति तो नहीं है? देखिए सरकार की इसमें क्या नीति है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। हमें यह पता है कि इस कानून से हमें क्या तकलीफ हो रही है और उसी तकलीफ के तहत हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के ऊपर सड़कों पे उतरे।